राजगढ़ धाम पर नवरात्रा मेला व छठ मेला स्थगित, मंदिर के पट रहेंगे बंद। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन BCA BBA फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। श्री मसाणिया भैरव धाम पर इस बार शारदीय नवरात्र में किसी भी प्रकार का कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। राजगढ़ धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि मंदिर कमेटी के संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस बार श्रद्धालुओं के लिए शारदीय नवरात्र महोत्सव व विशाल छठ मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। शारदीय नवरात्र घट स्थापना पर मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा ही समस्त श्रद्धालुओं और देश की जनता की ओर से अखंड ज्योति प्रज्वलित कर सबके कल्याण की मनोकामना पूर्ण होने के लिए बाबा भैरव और मां कालिका से प्रार्थना की जाएगी। अजमेर में धारा 144 के चलते आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का प्रवेश 31 अक्टूबर तक बंद किया गया है और मंदिर के पट भी इस दौरान बंद रहेंगे। धाम के उपासक चंपालाल महाराज ने सभी भक्तों से अपील की है कि वह घर पर रहकर ही मां कालिका और बाबा भैरव का ध्यान करें और सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।